दोस्तों देखो, मैं यहाँ पर दूसरा लड़का चला रहा है, सुशील, जो बुलेंसर के हैं, यूथ बुलेंसर के, तो वो आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाएंगे। मैंने इनसे बोला कि भाई निकाल कर दिखाओ, तो देखते हैं। चैलेंज दिया है मैंने कि फॉरवर्ड में इधर से मेरे मतलब कि हार्ड पड़ता है, ठीक है, निकालना। उधर से मैंने बोला है कि एक बार निकाल कर दिखाओ, तो देखते हैं बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इधर से निकालनी है, ओए फर्स्ट चांस है फर्स्ट। तो दोस्तों देखो क्या रहता है माहौल, देखते हैं यार, बहुत हार्ड लगता है इधर से। आ तो गई है, बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो मैं आपसे बता रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी यहाँ पर वाहन चल रहे हैं, सभी वाहन एक नंबर के हैं, अच्छे वाहन हैं, ठीक है, और ऑप्टिकल भी अच्छे हैं, ठीक है, हार्ड से हार्ड अच्छे ऑप्टिकल बनाया गया। अगर आप हार्ड ऑप्टिकल की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको जो वहाँ पर दिल्ली पुलिस अगर नॉर्मल भी देगी, या कैसे भी हार्ड दो, नॉर्मल दो या मीडियम दो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें, बेहतर तरीके से करते रहें, और अगर कोई भी हमारे चैनल पर नया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। और मैं आपसे बता दूँ कि दोस्तों, जो अभी तक दो टेस्ट हुए हैं, उन दोनों टेस्टों में ही बच्चे, कम से कम बच्चे पास हुए हैं, क्योंकि टेस्ट के नाम में जो बच्चे सभी चला रहे हैं, आज अच्छे से निकाल रहे हैं, वो सभी बच्चे उस टाइम पे मतलब कि प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि उनको घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है टेस्ट को लेकर के, ठीक है, टेस्ट को लेकर घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आज टेस्ट में घबराहट ना हो, इसलिए हर एक संस्था में टेस्ट देते रहें, अपनी तैयारी को आजमाते रहें कि ऐसी तैयारी है, ठीक है। इधर ये ऐसे मॉडल दिख रहा होगा आपको, और उधर आपको बोलेरो दिख रही है, और देखो पल्ली साइड, मतलब उधर की साइड उधर खड़ी हो, ठीक है, वहाँ पर आपको बस दिख रही होगी। चलो मैं बस के भी पास भी लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं दोस्तों आपको ये जो एच ऑप्टिकल है बुलेरो के अंदर, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, ठीक है, आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि क्या मैनेजमेंट है ऑप्टिकल का और क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दूर से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे बोलते हैं भाई पास से नहीं दिखता पूरा ऑप्टिकल, तो देखो जूम करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये बाहर गई गाड़ी, दिख रहा होगा सही बच्चों को, नहीं दिख रहा तो और पास करता हूँ, देखो ये जा रही, ठीक है, अभी आगे लेगा क्योंकि वो बीच पीछे से तो गाड़ी बाहर गई है। और बस भी दिखाऊंगा मैं आपको, ये एच ऑप्टिकल है टाटा इसका, सॉरी बुलेरो का, और ये टाटा का एच है दोस्तों, ठीक है, और वो जो एस मॉडल है वो उसका एच है, ठीक है। पल्ली साइड उधर की साइड जो दोस्तों वो 8वीं है, इधर टाटा का 8 है जिसमें टाटा 8वीं चल रही है, उधर बुलेरो का 8 है, ठीक है। और एल पार्किंग जो है दोस्तों वो वहाँ पर है जो बस की है सिर्फ, मैं पर देखो, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मैं बस आपसे दोस्तों यही कहूँगा कि वाहन भी अच्छे हैं और ऑप्टिकल भी अच्छे हैं, तो कृपया करके यहाँ पर एक बार बच्चे आकर देखे कि यहाँ कैसा माहौल है। एक दिन में आपको कोई भी आपका चार्ज नहीं ले जाएगा, आओ गाड़ी चला के देखो, अगर आपको अच्छा लगता है भाई रुको जरूर, ठीक है। और बस ये कहना है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलो मैं आपको बस दिखाता हूँ, काफ़ी दिन हो गया आपने बस एल ऑप्टिकल में चलते हुए ना देखी होगी। ये दोस्तों हमारी बस यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, बस खड़ी हुई है, और यहाँ पर देखते हैं इसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं। अभी मैंने बस चलाई नहीं है, अब चलाऊंगा बस में, ठीक है। देखो दोस्तों पूरी बाम है, कितनी सीटर बस भैया, ये सरकारी थोड़ी है, बस में एल ऑप्टिकल बनता है दोस्तों यहाँ पर रोज, और एट ऑप्टिकल की अभी तैयारी चल रही है, ठीक है। बस भी आपको रोज मिलेगी, और आपको एस मॉडल में यहाँ पर रोज ही मिलेगा, ठीक है, मतलब हैवी में आपको दोनों व्हीकल मिलते हैं साथ में, और आपको बुलेरो और टाटा भी साथ में मिलते हैं, चारों व्हीकल आपको यहाँ पर रोज मिलते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ऑप्टिकल के अंदर। और मैं आपको दोस्तों यहाँ बता रहा हूँ कि अभी जल्द ही में आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, अभी कुछ ही दिन आपके बच रहे हैं, तो लगेगा आपको यार, अगर आप कोई बड़े वाहन की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें समय लगता है। देखो ऐसा नहीं कि आप 5-7 दिन में 10-12 दिन में सीख जाओगे, उसके लिए महीना 2 महीना 3 महीने तो भाई आपको चाहिए चाहिए। अगर कोई भाई ये सोच रहा है कि हाँ भाई मैं 4 दिन में 5 दिन में ड्राइवर बन जाऊंगा, तो भाई ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर नसीब अगर किसी का अच्छा है तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो शायद निकल जाए, पर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बिगर मेहनत के कोई बच्चा निकल पाए। तो महीने 2 महीने तो भाई लगते हैं तैयारी के लिए, तो आप जल्दी से यहाँ पर आएँ। और दोस्तों बस ये कहना है कि आपका अब पूरा जो अगस्त है वो निकलने वाला है, ठीक है, और बस ये कहना है कि रक्षाबंधन के बाद ही
आप सभी सभी साथी दोस्त आते हैं यहाँ पे ड्राइविंग सीखे, कहीं पर भी सीखो, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर सीखें, पर एक बार यहाँ पर आकर जरूर देखें कि कैसा यहाँ का माहौल है, कैसा हॉस्टल है, कैसा खाना है। और बस बहुत सारी बातें देखो हो तो होती चलती रहेंगी। और बस आपसे ये कहना है कि अपनी मेहनत को तैयार अच्छे से रखें और बेहतर रखें, ठीक है दोस्तों। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।